हैदराबाद और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खेले गए रणजी को मैच का माइंड एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच चुके हैं। यो इतिहास रच वाला कोई और कोई बल्कि इंडिया को एक खिलाड़ी है। इस मैच में हैदराबाद को जो ओपनर है तन्मय अग्रवाल वो 147 बॉल में 63 दर्ज दियो। तो आप ही वीडियो में बात करेंगे तन्मय अग्रवाल आखिर है कौन और खिलाड़ी कौन टीम से मैच खेला करे। इससे पहले बात कर सकते तन्मय अग्रवाल की पारी के बारे में, तो तन्मय अग्रवाल प्रथम श्रेणी क्रिकेट का माइंड बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिए। इस खिलाड़ी से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में 100 तेज 63 दक्षिण अफ्रीका को मार्को मेरिस का नाम हो और दक्षिण अफ्रीका को मार्को मेरिस 191 बोला में 63 बनाए हो। लेकिन जो खिलाड़ी विश्व भी तेज शतक यानी 147 बोला में 63 बना दियो। साथ ही तन्मय अग्रवाल इस पारी में सबसे तेज दो शतक को रिकॉर्ड भी आपको नाम कर लियो, क्योंकि तन्मय अग्रवाल इस पारी में 119 बोल में 2 शतक और 147 बोल में 63 जड़े हुए। तन्मय अग्रवाल की पारी के बारे में बात करूं तो तन्मय अग्रवाल इस पारी में 31 चौका और 20 छक्का जड़ेंगे। अब अगर आगे बात करूं तन्मय अग्रवाल के बारे में और पूरी पारी की अगर बात करूं तो तन्मय अग्रवाल 160 बोला में 323 रन बना के पवेलियन वापस लौटे हो। तन्मय अग्रवाल के बारे में बात करूं तो तन्मय अग्रवाल को जन्म हैदराबाद में 3 मई 1995 हुए हो और हैदराबाद के लिए तन्मय अग्रवाल अंडर 14 से लेकर और सीनियर तक की सभी क्रिकेट खेल चुके हैं। तन्मय अग्रवाल को आईपीएल 2018 में हैदराबाद की टीम में सिलेक्शन हुए हो। 20 साल तन्मय अग्रवाल ने हैदराबाद की टीम 20 लाख रुपए में आपकी टीम में शामिल करे हो। लेकिन अब तक आईपीएल में तन्मय अग्रवाल ने खेला मौको को मिल चुके हैं। साल 2014 में गोवा के खिलाफ तन्मय अग्रवाल आपको रणजी करियर की शुरुआत करी और तन्मय अग्रवाल अब तक आपका 10 साल का क्रिकेट करियर में 56 प्रथम श्रेणी मैच 53 लिस्ट ए मैच और 66 T20 मैच खेल चुके हैं। तन्मय अग्रवाल के बारे में बात करूं तो तन्मय अग्रवाल प्रथम श्रेणी में 12 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से 3,856 रन अब तक बना चुके हैं। तो तन्मय अग्रवाल एक भारत को बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी जल्दी अपना टेस्ट क्रिकेट में एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में खेल तो दिखा गो, क्योंकि तन्मय अग्रवाल की जो पारी है यह बड़े बड़े सेलेक्टर्स ने अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हैदराबाद की टीम के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भी टीम को खिलाड़ी अब आईपीएल में और टीम इंडिया के लिए आपको प्रदर्शन दिखाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थनी वीडियो चौखा लगी हुई है तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके इस चैनल ने शेयर जरूर कर दियो।